गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। चलो आगे देखो, वहां तक पढ़े थे हमने। टर्मिनल वेलोसिटी तक हुआ था। अभी देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो उस फ्लो को कहते हैं जब लिक्विड का सारा पार्टिकल जब किसी पाथ को फॉलो करता है तो उसका सेकंड पार्टिकल जो होगा वो फर्स्ट पार्ट के पाथ को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर जो चींटियां हैं अगर वो एक लाइन से चलती हैं तो जो फर्स्ट चींटी है उसके हाँ देखते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में जैसे कि ये कोई लिक्विड है इस तरह से ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पाथ है जिस पाथ पे वो फ्लो करता है, तो अगर ये पाथ उसका स्ट्रेट होगा तो इस पे जो फ्लो करने वाला लिक्विड होता है वो उसके जैसा ही फ्लो करेगा, मतलब कि इस टाइप से फ्लो करेगा नॉर्मली। और यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है जैसे फ्लो करेगा सेकंड वाला भी उसी पाथ को फॉलो करता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से एलिवेशन बना हुआ है, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जो वो लिक्विड है वो ऐसे इस डायरेक्शन पे जाने के लिए ट्राई करता है, बट वो वापस अपनी स्पीड के कारण वो नीचे आ जाता है, मतलब कि वो डिप्रेस हो जाता है। देन फिर वो ऊपर की ओर उठता है तो उसका जो डायरेक्शन वो ऊपर की ओर जाता है, फिर वो नीचे की ओर आ जाता है। इस तरह से फर्स्ट पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसके बाद वाला पार्टिकल भी इसी पाथ को फॉलो करता है, तो इस टाइप के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। यहाँ पे ड्रॉ देखिए, ड्रॉ में क्या दिया है कि यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड है ए बी सी, यहाँ पे तीन पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सारा जो है वो सब पॉइंट ए जहां से जाएगा वहीं से पॉइंट बी भी जाएगा, वहीं से पॉइंट सी भी पास होता है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखिए इसका ड्रॉ दिया हुआ है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है अगर वो रफ सर्फेस पे है तो रफ सर्फेस की तरफ फ्लो करेगा, प्लेन सर्फेस पे है तो प्लेन सर्फेस की तरफ फ्लो करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो अपने सर्फेस के साथ में टेंजेंट ड्रॉ करता है। कभी भी दो जो टेंजेंट यहाँ पे बनेंगे, टू स्ट्रीमलाइन अगर पाथ बनेगा तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो शेप होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व लाइन के फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद है आपका स्ट्रीमलाइन ट्यूब। स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या होता है? स्ट्रीमलाइन ट्यूब
एक इमेजिनरी ट्यूब होता है जिसको हम अज्यूम करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पे जितने अमाउंट ऑफ लिक्विड यहाँ इसके एक पार्ट से एंटर करेगा, उतने ही अमाउंट ऑफ लिक्विड उसके दूसरे पार्ट से बाहर की ओर जाता है। कोई भी जो लिक्विड है वो ऐसा नहीं है कि उसके ट्यूब की वॉल पे जा करके स्टिक हो जाता है। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? हमने देखा कि जब कोई लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है तो वो जब अगर उस लिक्विड की वेलोसिटी उसकी डिफरेंट वेलोसिटी से कम हो जाती है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो उसकी नॉर्मल वेलोसिटी होती है, नॉर्मल वेलोसिटी से भी उसकी जो वेलोसिटी है वो एक बार के लिए अगर मान लीजिए कम हो जाती है, तो लिक्विड का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लिक्विड का फ्लो अगर उसकी फिक्स वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। वो मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेते हैं कि अगर उस लिक्विड को 10 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रेवल करना था, लेकिन उसका ये जो फिक्स टाइमिंग था उससे वो ज्यादा हो गया, मतलब कि वो 50 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी जो है उसकी डिफाइनेट वैल्यू से ज्यादा हो जाता है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद है आपका टर्बुलेंट फ्लो। कभी कभी लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ड्रॉ दिया हुआ है, जैसे कि लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है कभी इस टाइप के पार्ट से, कभी इस टाइप के पार्ट से, कभी इस टाइप के पार्ट से फ्लो कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस डायरेक्शन को फॉलो न करते हुए कोई भी डायरेक्शन पे फ्लो करने लगता है, मतलब कि उसका जो मोशन है वो रेगुलर ना होकर इरेगुलर हो जाता है। कभी इस साइड इस साइड इस साइड किसी भी डायरेक्शन पे वो फ्लो करने लगता है। तो इस टाइप के फ्लो को जब लिक्विड का पार्टिकल जिगजैग या इरेगुलर मोशन करता है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। जैसे कि नदी में अगर बाढ़ आ जाती है या फिर हवा में अगर साइक्लोन आता है, साइक्लोन को भी हम टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं, बाढ़ को भी हम टर्बुलेंट फ्लो कह सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड और आइडियल लिक्विड। यहाँ पे जो आइडियल लिक्विड है ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। तो विस्कस लिक्विड क्या होता है? वो लिक्विड जिसकी जिसमें विस्कोसिटी होती है, या फिर वो लिक्विड जो कि गाढ़ा होता है उसको विस्कस लिक्विड कहा जाएगा, और वो लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी नहीं होती, जो कि पतला होता है, गाढ़ा नहीं होता है, उसको नॉन विस्कस लिक्विड कहा जाएगा। इसके बाद है आपका इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है। जब कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है तो उसको अनकम्प्रेसिबल लिक्विड कहेंगे। मोस्टली जो लिक्विड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, बिकॉज उनको जब हम कंप्रेस करते हैं तो उनके वॉल्यूम में डेंसिटी का चेंजेस नहीं आता है, या फिर डेंसिटी के वॉल्यूम में चेंजेस ना के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एक बॉटल लिया हुआ है, प्लास्टिक के बॉटल में आपने पानी रखा हुआ है, और अगर आप उस प्लास्टिक के बॉटल को अपने हाथों से प्रेस करेंगे तो उसका जितना भी लिक्विड उस प्लास्टिक के अंदर है, प्रेस करने के बाद भी वो लिक्विड उतना ही होता है। इसके बाद देखिए आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड क्या होता है? नॉन विस्कस, जो कि गाढ़ा नहीं होगा, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड को यहाँ पे आइडियल लिक्विड कहा जाएगा। आइडियल लिक्विड का जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है, नॉन रोटेशनल होता है, वो रोटेट नहीं करता और स्टेडी, मतलब कांस्टेंटली वो फ्लो करता रहता है। इसके बाद है आपका लेमिनार फ्लो।
आगे देखिए लेमिनार फ्लो, जब वो कोई विस्कस लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो करता है तो वहां पे वो बहुत सारे लेयर्स उसके बनते हैं और सारे लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि लिक्विड के जितने भी लेयर्स वहाँ पे क्रिएट होंगे सबका वेलोसिटी सेम होगा, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी जब वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रेवल करता है, ठीक है, उस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम लेमिनार फ्लो कह सकते हैं। या फिर जब लिक्विड का फ्लो या फिर उस विस्कस लिक्विड का जो फ्लो होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर कम होता है तो उसको लेमिनार फ्लो कहा जाएगा। अगर कोई नॉन विस्कस लिक्विड को, अगर किसी नॉर्मल वाटर को अगर हम लोग किसी ट्यूब में फ्लो कराते हैं तो वो अपनी लो वेलोसिटी से मूव करता है और सारे लेयर्स की जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल इक्वल होती है, तो इसी को आपको लेमिनार फ्लो हम कहते हैं। उसके बाद है रेनॉल्ड नंबर, वो एक प्योर नंबर होता है जो कि यह बताता है कि किसी पाइप में किस टाइप का जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। तो किसी भी लिक्विड में, सॉरी किसी भी ट्यूब में, किसी पाइप में किस टाइप का लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके बारे में ऑसबॉर्न रेनॉल्ड ने 1842 से 1912 जो उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दिया हुआ है उन्होंने बताया था। और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जब कोई विस्कस लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो करता है तो उस लिक्विड की जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जिसको हम वीसी से रिप्रेजेंट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस लिक्विड के डेंसिटी के। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वाटर की डेंसिटी के। इसके अलावा जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, कितने डायमीटर का ट्यूब हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है उसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन डी एंड कैपिटल डी। यहाँ पर इसको अगर हम हटाते हैं तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगेगा के, जो कि रेनॉल्ड नंबर को रिप्रेजेंट करता है और वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी होती है। रेनॉल्ड नंबर एक प्योर नंबर होता है, ये यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और कैपिलरी ट्यूब की अगर हम बात करें तो कैपिलरी ट्यूब में इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 1000 होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, जब कोई आइडियल लिक्विड, जैसे कि आइडियल लिक्विड मतलब इनकम्प्रेसिबली नॉन विस्कस लिक्विड किसी पाइप में, किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में फ्लो कर रहा है और उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है, तो उस लिक्विड के हर एक पॉइंट पे, सॉरी उस ट्यूब के, जो आपका ट्यूब बना है इस ट्यूब के हर एक पॉइंट पे जो वाटर होगा उस वाटर की जो वेलोसिटी होती है और उस ट्यूब का जो एरिया होता है वो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, मतलब कि एरिया ऑफ ट्यूब एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट करा कि एक हमने जो ट्यूब लिया हुआ है
तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एरिया एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लाई जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम यहाँ पर A1 V1 और A2 V2 इसलिए लेते हैं बिकॉज इसका जो अलग एरिया है वो एंट्रिंग और लिविंग दोनों के लिए अलग अलग एरिया है और जो वेलोसिटी होगी वहाँ पे वाटर की वो भी अलग अलग होगी। नैरो एरिया पे बहुत ही प्रेशर से वो बाहर की ओर आता है और वाइड एरिया पे वो बहुत ही कम प्रेशर से अंदर की ओर एंटर करता है। तो लेट किया हमने यहाँ पर एक पाइप AB जिसके A1 A2 अलग अलग एरिया हो गए, B1 B2 अलग अलग वेलोसिटीज हो गए। वॉल्यूम निकालेंगे वाटर का जब वो A पॉइंट पे एंटर करता है 1 सेकंड के लिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग एट A इन 1 सेकंड। A1 B1 मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पर अगर मास इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी लेंगे और सॉरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लेंगे और वॉल्यूम को हमने यहाँ पर निकाला हुआ है A1 B1 तो ये आपका हो गया A1 B1 D। ये निकल गया आपका एंटर करने वाले वाटर के लिए। लिफ्ट करने वाले वाटर के लिए मास हो जाएगा A2 B2 D। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब कि जितना लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड वहां से बाहर की ओर भी जाता है। तो उस कंडीशन में जो मास होगा दोनों लिक्विड का वो इक्वल हो जाता है। मास ऑफ एंटरिंग लिक्विड एंड मास ऑफ लिविंग लिक्विड दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ आएगा आपका A1 B1 D इज इक्वल टू A2 B2 D। डी से डी कैंसिल होता है तो यहाँ बचेगा A1 V1 इक्वल टू A2 B2। या अगर हम इसको 1 और 2 के फॉर्म में ना लिखे तो सिंगल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा AB जो कि आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट होती है। तो ये जो इक्वेशन आता है इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कोई भी लिक्विड जब किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में या ट्यूब में एंटर करता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है उस ट्यूब के हर एक पॉइंट पे जो एरिया होगा एरिया जो है वो तो वाटर के वेलोसिटी वी का प्रोडक्ट जो आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे शो करता है। अगर देखिए एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, तो लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसको कौन कौन सी एनर्जी लगती है? चलिए जितने भी लिक्विड जो है आइडियल लिक्विड जब वो मोशन में आते हैं तो उनको 3 टाइप की एनर्जी वर्क करती है। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी और थर्ड है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पे लगती है उसके लिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। माना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपका 1/2 mv². तो काइनेटिक एनर्जी अगर उस लिक्विड के पर यूनिट वॉल्यूम पे लगती है तो हम काइनेटिक एनर्जी को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया एक वैल्यू पुट करेंगे 1/2 mv² / 2 और बी आपका एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पर हम m/v जो है मास अपॉन वॉल्यूम वो हो जाता है डेंसिटी, तो उसके प्लेस पर हमने यहाँ पर रख दिया है डेंसिटी। तो फॉर्मूला आ गया आपका 1/2 dv²। इसके बाद है आपका द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के लिए तो काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पर मास से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका 1/2 mv² / m, m से m कैंसिल हुआ तो बचेगा यहाँ पे v² / 2। इसके बाद निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, वेट के लिए निकालेंगे तो वेट के लिए आप काइनेटिक एनर्जी को हम वहाँ पे वेट से डिवाइड कर देंगे काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेट, वेट का फॉर्मूला होता है mg, m से m कैंसिल हो गया बचेगा यहाँ पे v² / 2।
सेम ऐसे आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी को भी हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बार पर यूनिट वॉल्यूम के लिए V से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट मास के लिए M से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट वेट के लिए M से डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यूज आएगी वो उसकी एक्चुअल वैल्यूज होंगी। उसके बाद है आपका प्रेशर एनर्जी। प्रेशर लगता है जब उस नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में वाटर फ्लो करता है तो उसको प्रेशर लगता है, तो जो उसके जो प्रेशर लगता है वो उसके टोटल वर्क डन के इक्वल होता है। जितना प्रेशर लगेगा उतना ही वो लिक्विड फ्लो करेगा, मतलब कि उतना ही वो वर्क कंप्लीट करता है। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिया हुआ है और फोर्स के लिए लिया है पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। फॉर्मूला आपको पता होगा एफ इक्वल टू पी अपॉन ए का, या फिर P इक्वल टू एफ अपॉन ए का। लिक्विड में प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, सॉरी हर जगह प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, हमने यहाँ पे रखा पी ए इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स। ठीक है, ए और एक्स क्या हो जाएगा, ये जो है वो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू होता है एल इंटू डी, और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पर एक्स लिया है, मतलब मान लीजिए वो हमने फॉर्म एच मान लेते हैं। ठीक है, एल बी एच की वैल्यू होती है वॉल्यूम। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच दोनों की तीनों की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे एक्स के प्लेस पर रखेंगे बी, ये निकालेंगे आपको प्रेशर एनर्जी के लिए। अब इसको आप प्रेशर एनर्जी के लिए पर यूनिट लिक्विड के लिए बी से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए बी से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट मास के लिए एम से डिवाइड करेंगे, और पर यूनिट वेट के लिए एम जी से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला निकलेगा कि कितने टाइप के एनर्जी लिक्विड पे लगती है और कौन कौन सी एनर्जी लगती है, तो उसका फॉर्मूला आप किस तरह से निकाल सकते हो। उसके बाद आपका जो टॉपिक है बर्नौली थ्योरम, उसको हम कल देखेंगे।